दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जॉब वैकेंसी लेके आया हूँ। दोस्तों अगर आप भी 10th या 12th पास हैं और अगर आप फ्रेशर हैं और आपकी एज 18 प्लस है तो आप इस जॉब के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस जॉब को पाने के लिए आपको कहीं पर भी किसी को भी एक भी रुपया नहीं देना है। दोस्तों आप एकमात्र इंटरव्यू पास करके इस जॉब को आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दें और रोजाना जॉब से संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों पहला जो कंपनी है वह है आपका फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा जो कंपनी है वह है आपका बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस। दोस्तों फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है वह आपका सेंटर मैनेजर का और दूसरा जो पोस्ट है वह आपका ब्रांच मैनेजर का। दोस्तों सेंटर मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है आपका 19 साल से लेकर 29 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों ब्रांच मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस की तरफ से दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है वह आपका सेल्स ऑफिसर का और दूसरा जो पोस्ट है वह आपका ब्रांच मैनेजर का। दोस्तों सेल्स ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है आपका 20 साल से लेकर 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों ब्रांच मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी माइक्रो फाइनेंस या फिर बैंकिंग सेक्टर में काम करने का, तभी जाकर दोस्तों आप ब्रांच मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वह आपका बेतिया वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह आपका 5 और 6 अक्टूबर 2023। दोस्तों दूसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह आपका मोतीपुर ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह आपका 5 और 6 अक्टूबर 2023। दोस्तों तीसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह आपका सीतामढ़ी बिहार का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह आपका 5 और 6 अक्टूबर 2023। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह आपका मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह आपका 5 और 6 अक्टूबर 2023। तो अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह आपका बिहटा पटना डिस्ट्रिक्ट बिहार का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह आपका 5 और 6 अक्टूबर 2023। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह आपका चकिया ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह आपका 5 और 6 अक्टूबर 2023। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह आपका गया बिहार का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह आपका 5 और 6 अक्टूबर 2023। दोस्तों नेक्स्ट जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह आपका सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह आपका 5 और 6 अक्टूबर 2023। दोस्तों बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वह आपका कटिहार बिहार का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह आपका 5 और 6 अक्टूबर 2023। दोस्तों नेक्स्ट जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह आपका भागलपुर बिहार का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह आपका 7 और 8 अक्टूबर 2023। दोस्तों नेक्स्ट जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह आपका फारबिसगंज बिहार का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह आपका 9 और 10 अक्टूबर 2023। दोस्तों सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच आप दिए गए इंटरव्यू लोकेशन पर जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और दोस्तों एक इंटरव्यू पास करके इस जॉब को आसानी से पा सकते हैं।